लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मुंबई की 6 सीटों पर मतदान हुआ। कई बड़ी बड़ी बॉलीवुड हस्तियों ने अपना अपना वोट डाला, पर वोट डालने के बीच जो सबसे अलग रहा वो था एक्ट्रेस कंगना रनौत का बयान। उन्होंने वोट डालने के बाद कहा कि आज हम आजाद हैं, इससे पहले हम इटालियन सरकार के गुलाम थे। ये बोल किसी और के नहीं बल्कि कंगना के थे। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव 5 साल में एक बार आता है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी जाकर अपना वोट जरूर दें। मैं समझती हूँ कि इस समय देश सही से आज़ादी का मजा ले रहा है, क्योंकि इससे पहले हम सब मुगल, ब्रिटिश और इटालियन सरकार के ही गुलाम थे। कंगना के इस बयान से साफ हो रहा है कि उन्होंने अपने बयान से इनडायरेक्टली एक पार्टी पर हमला बोला है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि कंगना अपने बयान में भारत की गुलामी में मुगल और ब्रिटिश के अलावा इटालियन सरकार का भी नाम ले रही हैं। उन्होंने इनडायरेक्टली इटालियन वर्ड का यूज़ स्पेशली सोनिया गांधी के लिए किया था, क्योंकि सोनिया गांधी की जो जड़ें हैं वो इटली से ही जुड़ी हुई हैं। और मुझे लगता है सही मायने में भारत अब आज़ाद हो रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी हम ब्रिटिश, कभी मुगल, कभी इटालियन गवर्नमेंट के ही गुलाम थे। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कंगना ने कई मौकों पर जाहिर किया है कि वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी का समर्थन खुलेआम करती हैं। यहाँ तक कंगना कई बार प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में भी अपने बयान दे चुकी हैं। पुलवामा के बाद भी उन्होंने अपनी राय सबके सामने रखी थी। उन्होंने सरकार से कश्मीर की धारा 370 के ऊपर भी अपना विचार करने के ऊपर कहा था। वैसे कंगना बॉलीवुड की उन सेलिब्रिटीज में से एक हैं जो खुलकर अपनी बातों को सबके सामने बखूबी रखती हैं। वो अपने लिए और अपनी बातों के लिए हमेशा ही खुलकर स्टैंड लेती हैं, और पहले भी उन्होंने करण जौहर पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने की बात कही थी। खैर, आजकल बॉलीवुड भी दो खेमों में बट चुका है, जो कि अब साफ साफ दिखने भी लगा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि 600 करीब फिल्मी हस्तियों ने भाजपा को वोट ना देने के लिए बाकायदा एक लेटर पर साइन किए थे, जिसमें नसरुद्दीन शाह भी शामिल थे, जिन्हें हमारे देश में डर लगता है। पर यहाँ चौथे चरण के मतदान में कंगना के साथ साथ शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, परेश रावल, सचिन तेंदुलकर और भी बड़ी नामी हस्तियां थीं जिन्होंने आकर अपना मतदान, अपना वोट दिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।